एवरी वन वेलकम बैक टू लर्न बायोलॉजी अगेन सो आज अपन स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन आज है संडे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आ न्यू चैप्टर टूडे दैट इज इवोल्यूशन ओके फाइन ठीक है ये रहा इवोल्यूशन ये है नीट मतलब ये सॉरी ये है फिंगर टिप्स एम टी जी ओके फाइन ठीक है स्टार्ट करें इवोल्यूशन हेडिंग डालो फाइन इवोल्यूशन इवोल्यूशन मींस क्या होता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मतलब अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं कि अपन कैसे कैसे इवॉल्व हुए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशनरी इंट्रोडक्शन इसका दे पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ मतलब लाइफ कैसे फॉर्म हुई अर्थ पे फाइन ओके ठीक है इवोल्यूशन सिंपली मीन्स अन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनादर मतलब अपनी अपन एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज होना ठीक है वन कंडीशन से फ्रॉम वन कंडीशन टू अनादर कंडीशन ओके फाइन ठीक है इट इज़ द चेंज इन फ्लोरा एंड फोना ठीक है फ्लोरा फोना में चेंज होना ओके डेट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स ऑन अर्थ ओके ठीक है इवोल्यूशनर मीन मीन्स अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं पुरानी एक हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं जो अर्थ पे अपने क्या क्या हुआ लाइफ कैसे बनी ओके okay. क्या क्या चेंजेस आए अपन एक कन मतलब अपन कैसे वन कंडीशन से अनदर कंडीशन में आए ठीक है ओके ये सब पढ़ रहे हैं अपन इवोल्यूशन में तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं इसमें सबसे पहले अपन बनाते हैं ओरिजन ऑफ यूनिवर्स ठीक है પણ લાઈફ તો બાદ મે આયંગી ઠીક હે ઇસમે લાઈફ લખાયે આપન ડિટેલ્સ મે પડ રહે તો આપન યુનિવર્સ કી વાત કરેંગે સબસે પહેલે ઓરિજન ઓફ યુનિવર્સ ઠીક હે આબ ઓરિજન ઓફ યુનિવર્સ ઓરિજન ઓફ યુનિવર્સ મે ક્યા કонસી થિયરી આઈ થી બિંગ બેંગ થિયરી દી થી કિસને દી થી અબે લેમારી ટ્રેને ઓકે કонસી થિયરી થી બિગ બેંગ થિયરી બિગ બેંગ બેંગ થિયરી ઠીક હે एबे आ ले मैं आई ट्रे ने दी थी ओके फाइन ठीक है यूनिवर्स कब फॉर्म हुआ था ट्वेंटी बिलियन ईयर एगो कब फॉर्म हुआ था ट्वेंटी बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स अपना फॉर्म हुआ था ठीक है मतलब बहुत फिजिकल टर्म में एक बहुत हर एक्सप्लेशन हुआ था ठीक है यहाँ पर देखो द ओरिजन ऑफ लाइफ मतलब इन दिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स ओके द यूनिवर्स इज अ वास्ट एंड वेरी ओल्ड वास्ट एंड वेरी ओल्ड ऑलमोस्ट ट्वेंटी बिलियन ईयर ओल्ड ओके ट्वेंटी बिलियन ईयर ओल्ड का हर क्लस्टर मीन्स क्या गैलेक्सी जो कि क्या कंटेन करती थी स्टार्स क्लाउड कंटेन करती थी गैसेस करती थी और डस्ट एंड डस्ट कॉम्प्रोमाइज द यूनिवर्स ओके मतलब क्या हुआ था जो गैसेस थी कौन सी गैसेस थी हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी जो वो क्या हो गई वो हो गई कंडेंस कंडेंस होकर क्या हो गई उन्होंने क्या कर बना ली ग्रेविटेशन किसकी वजह से कंडेंस हो गई ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये दोनों हाइड्रोजन और ये हीलियम ये क्या हो गई एकदम कंडेंस हो गई किसकी वजह से ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ओके अब जो कॉस्मेटिक मतलब सेलेस्टियल बॉडीज सेलेटियल बॉडीज मतलब अपने स्टार क्लाउड्स तो मतलब कॉस्टम एक मै मैटर था उसने अपनी गैलेक्सी मतलब कंटेन करी ये अपन को याद रखना है अपन को सबसे पहले एक मेन चीज क्या याद रखना है कि अपना यूनिवर्स कब फॉर्म हुआ अपना Universe हुआ हुआ, है अपना उसके बाद अपनी ओरिजन ऑफ गैलेक्सी ठीक है उसके बाद है ओरिजन ऑफ गैलेक्सी ठीक है ओरिजन ऑफ गैलेक्सी में पढ़ेंगे द बिग बैंग थ्योरी ये वाली अपने ठीक है ये जो मैंने बोला ना ये बिग बैन थ्योरी थी ठीक है द बिग बैन थ्योरी अटेंस टू एक्सप्लेन द दरिजन ऑफ यूनिवर्स अ सिंपल हक्स यानी मेजे फिजिकल टर्म्स इज कॉल्ड बिग बैन द यूनिवर्स एक्सपांड यूनिवर्स एक्सपांड हुआ ठीक है जब यूनिवर्स एक्सपांड हुआ एंड द टेम्परेचर काम डाउन हुआ और हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म्ड हुए सम टाइम लेटर और जो गैस कंडेंस हुई काय में कंडेंस हुई अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फॉर्म क्या करी गैलेक्सी प्रेजेंट ये अपन ने पढ़ लिया ओके ठीक है हो गया डिटेल्स में फाइन अब पढ़ते हैं इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट बिलियन ईयर्स आई गो ठीक है कौन कौन सी गैले सॉरी uh, uh, एक और बार मिल्की वे गैलेक्सी ठीक है अपन क्या बोलते हैं अपनी गैलेक्सी को अपन अपनी गैलेक्सी को आकाश गंगा वो भी बोलते हैं और मिल्की वे भी बोलते हैं ओके okay? आकाश गंगा एंड मिल्की वे ठीक है आकाश गंगा एंड मिल्की वे ओके फाइन ठीक है मिल्की वेव बी अब हैव अबाउट फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर एगो कंडीशंस बिलियन ईयर एगो का सॉरी फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर एगो इनिशियली ऑल द प्लेनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग अर्थ वेट वर्स वेरी हॉट ठीक है क्या था मतलब अर्थ भी बहुत गर्म था वेरी हॉट सम हाउ कंडीशन ऑन अर्थ चेंज इन लाइफ ऑरिजिनेटेड ऑन हर्न फ्रॉम इन इंडियन नॉन लिविंग मैटर टूडे अर्थ इज द ओनली नॉन प्लेस टू सपोर्ट लाइफ अर्थ ही एक ऐसी प्लेस है आज के टाइम में कि जो लाइफ को सपोर्ट करती है ओके okay? तो मतलब जब अपनी गैलेक्सी बनी तो अपने पास अपना क्या है नेबुलरा हाई अपना नेब हाइपोथेसिस क्या है अपना नेबुला क्या है अपना नेबुला क्या है अपना नेबुला है अपना सन जो कि अपने क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी है ठीक है सन क्या है अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी है तो इसमें क्या बोला जा रहा है इसमें यही बोला जा रहा है कि अपनी जो आ, गैलेक्सी उसके बाद क्या हो अपनी अर्थ के बारे में बोला जा रहा है कि बहुत ये हॉट है ओके ठीक है हॉट थी ये भी बहुत इंक्लूडिंग वेरी हॉट सारे प्लैनेट बहुत हॉट थे ठीक है और ये नॉन लिविंग मैटर से ओके तो अपन ये डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी 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 जब अपन अर्थ का पढ़ेंगे ओके फाइन ओके फिर उसके बाद है ओरिजन ऑफ अर्थ अब अपन ओरिजन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे ठीक है ये क्या अपन ने ओरिजन ऑफ अर्थ के बारे में सिंपली पढ़ लिया ठीक है और, ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ फ्रॉम लाइफ का ही है अपन ने यहाँ अर्थ का पढ़ा है अपन अर्थ का पढ़ेंगे सबसे पहले ओके ठीक है ओरिजन ऑफ अर्थ ठीक है ओरिजन ऑफ अर्थ कब अपनी अर्थ फॉर्म हुई फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर एगो ओके फॉम फां, हुई अपनी अर्थ फाइन ठीक है फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर एगो अब अपनी अर्थ पुरानी अर्थ की बात करें तो जब अपने पास एकदम प्रीमेटिव अर्थ थी मीन्स पुरानी अर्थ थी ओके प्रीमेटिव अर्थ थी तो वहां अपने पास क्या था नो फ्री ऑक्सीजन ओके नो फ्री ऑक्सीजन एटमोसफियर क्या था रिड्यूसिंग एटमोसफियर ठीक है एटमोसफियर एकदम रिड्यूस था उसमें क्या थी वॉल्केनिक ज्वालामुखी ठीक है अपने पास नो ओजोन थी ओजोन लेयर नहीं थी अपने पास और पुरानी अर्थ पे क्या बिजलियां कड़क रही थी बिजलियां गिर रही थी लाइटनिंग हो रही थी ठीक है लाइटनिंग थंडर स्ट्रोंग ठीक है लाइटनिंग थंडर स्ट्रोंग और उसके बाद क्या था अपनी अर्थ का क्या था हाई टेम्परेचर था ठीक है क्या था प्लीज इग्नोर माय राइटिंग बिकॉज मैंने कैमरा भी पकड़ा एक हाथ से मोबाइल का सो ठीक है हाई टेम्परेचर था अपने पास अब जब इरप्शन हुआ मतलब ज्वालामुखी फूटी इरप्शन हुआ क्या हुआ इरप्शन हुआ जब ज्वालामुखी फूटी तो उसके बाद क्या हुआ जो लावा थी फिर उसके बाद हुआ इरप्शन वॉल्केकैनिक इरप्शन जब हुआ तो क्या हुई लावा प्लस गैसेस जो थी अपनी गैसेस कौन कौन सी थी अपने पास सी एच फोर थी सी ओ टू थी एन एस थ्री थी ठीक है तो ये गैसेस कहाँ गई ये गैसेस गई अपनी कहाँ गई एटमोसफियर में गई तो गैसेस गई कहाँ एटमोसफियर में अब ये गई एटमोसफियर में अब ये एटमोसफियर में जब गई तो क्या एस टू ओ वाटर वेपर बने क्या बने वाटर वेपर बने ठीक है जब ये एट, एटमोसफियर में गई तो वाटर वेपर बने अब वाटर वेपर बने।, वे बने तो जो यू वी रेस थी ठीक है अपनी जो यू वी रेस है वो पैनेट मतलब ब्रेक हुई ठीक है ब्रेक हुई तकरार ब्रेक हुई ठीक है तो उनने क्या रिलीज कर दी उन्होंने रिलीजिंग कर जो अपना CO2 टू था ठीक है ब्रेक्स हो गया CO2 टू सॉरी ये ब्रेक्स हुआ क्या हो गया सी टू ब्रेक हो गया अब जब CO2 टू ब्रेक हो गया अपना तो एक सी में ब्रेक हो गया और एक O2 में ब्रेक हो गया तो ये सी किसके साथ जाके रिएक्ट कर गया मतलब किसके साथ फॉर्म हो गया सी फॉर्म हो गया सी एच फोर के साथ और ये O2 किसके साथ चले गया O2 चले गया NO2 टू के साथ और एन टू ओ के साथ ठीक है एंड क्या बना ली इन्होंने ओजोन बना ली ओके फाइन ओजोन बना ली अब अपनी क्या बन गई अब अपने पास क्या फॉर्म हो गई अब अपने पास फॉर्म हो गई ओजोन फॉर्म्ड हो गई फाइन ओजोन क्या हो गई फॉर्म्ड हो गई अब अपनी ओजोन फॉर्म हो गई ओके okay, अब अपनी ओजोन फॉर्म हो गई तो अपना जो टेम्परेचर था जब अपना टेम्परेचर था ना अपनी अर्थ का जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया अब काम डाउन हो गया ठीक है अपनी अर्थ का टेम्परेचर काम डाउन हो गया तो क्या बन गए वाटर वेपर कंडेंस हो गए ठीक है वाटर वेपर क्या हो गए कंडेंस हो गए ठीक है वाटर वेपर जब कंडेंस हो गए तो अपने क्या हो गए क्लाउड्स फॉर्म हो गए ठीक है यहाँ अपने क्लाउड्स बन गए ओके अपने क्लाउड्स फॉर्म्ड हो गए अब क्लाउड्स जब बन गए तो फिर क्या होंगी बारिश होंगी तो बारिश क्या rain हुई रेन हुई रेन बनी कितने बारिश कितने को बहुत सालों तक के बारिश हुई तो अब ये जो बारिश हुई ना तो उसकी वजह से अपने जो आप देखते हो ना सी ओशियन वो गड्ढे तो इसकी वजह से गड्ढे हो गए ठीक है रेन की वजह से क्या हो गए होल्स तो हो गए गड्ढे हो गए तो अपन ने उनको क्या बोलते हैं अपन आजकल सी ओशियन बोलते हैं ओके वो गड्ढे हो गए वो गड्ढे के अंदर क्या क्या था उसके अंदर एक था 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 हॉट डाइल्यूट सूप 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 ठीक है उसके उसके अंदर क्या था? प्री -बायोटिक सूप था, ओके देन ओरिजिन ऑफ अर्थ हो गया ओरिजिन ऑफ अर्थ ने यहां से भी पढ़ लिया ठीक है फाइन इन सोलर सिस्टम ओके अब ओरिजन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इन मेटर इज नॉन एज बायो बायो बायोपिओसिस ओके जी के बायोज मीन्स लाइफ और प्योसिस मीन्स मेकिंग विच अ अबाउट फोर हंड्रेड फोर थाउजेंड टू फोर टू हंड्रेड मिलियन ईयर एगो ओके सर्वल थ्योरीज हैव बीन गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन लाइफ एग्जांपल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कॉस्मोजिक थ्योरी थ्योरी ऑफ बायोजेनिस ऑपरें हेल्थ एंड थ्योरी सो नेक्स्ट वीडियो में सारी थ्योरी पढ़ते हैं ओरिजन ऑफ लाइफ में अपन को सबसे पहले बस इंट्रो में क्या पढ़ना है अपन को इंट्रो में ये पढ़ना है सॉरी यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना के बता देती हूँ कि अपनी लाइफ कब हुई फाइव हंड्रेड मिलियन ईयर ईयर आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन किसके आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन ओके और लाइफ आ कैम फोर बिलियन ईयर बैक मतलब जब उसके सॉरी यू इतना यहाँ तक मैं फोर फाइव हंड्रेड मिलियन ईयर आई अर्थ के आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक यू